राजस्थान के उदयपुर संभाग के सनुगढ़ जिले में बीते दिनों एक टीचर की तलवार से गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस दौरान मृतक टीचर के परिजनों और ग्रामीणों ने दूसरे दिन यानी शनिवार को भी शव का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया था। दिन भर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। वही मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। इस मामले में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। इस तरह बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने भी सरकार को घेरते हुए पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। सलुम्बर में गुरुवार देर शाम अद्वस गांव में एक टीचर शंकरलाल मेघवाल की आरोपी फतेह सिंह ने गर्दन काटकर हत्या कर दी। हालांकि पुलिस जब आरोपी फतेह सिंह को पकड़ने गई तो उसने खुद भी गला काटकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रदेश में सलुम्बर जिले के जवाहर माइंस थाना क्षेत्र के अद्वस गांव में अध्यापक शंकरलाल मेघवाल की तलवार से हत्या कर देना और उनके पिताजी दालचंद जी मेघवाल को गंभीर रूप से घायल कर देना का प्रकरण हदे को झकझोर करने वाला है। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ लोग इस परिवार को कई दिनों से धमकियां दे रहे थे। मामला पुलिस के संज्ञान में होने के बावजूद धमकियां देने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह आतंक फैलाकर मेघवाल समाज के एक शिक्षक की हत्या कर देना सरकार को चुनौती है। प्रकरण में पुलिस का जो रवैया है वो ये दर्शा रहा है कि राजस्थान का विधानसभा सत्र चल रहा है, उसके बावजूद पुलिस सरकार को गंभीरता से नहीं ले रही। परिजन न्याय की मांग को लेकर आंदोलित है। मेरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग है कि इस मामले में अन्य जो भी आरोपी जांच में सामने आते हैं उन सभी की तत्काल गिरफ्तारी करके कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। वही राजकुमार रोत ने पोस्ट करते हुए लिखा, राजस्थान के सलुम्बर जिले के जवाहर माइंस थाना क्षेत्र में शिक्षक शंकरलाल मेघवाल की घर में घुसकर दबंगों द्वारा तलवार से हत्या कर शिक्षक के पिता का हाथ काटने जैसी निंदनीय घटना की है। डबल इंजन की सरकार में दबंगों के हौसले बुलंद है और दलित और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और राज्य सरकार पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और परिवार में 2 जनों को सरकारी नौकरी दे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।